हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं इंडो चाइनीज मंचूरियन और फ्राइड राइस की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हमारे मंचूरियन बने हैं। लुकिंग देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग है। हमने इसे इस तरीके से बनाया है कि बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर से देखें। कुछ टिप एंड ट्रिक के साथ हम ये बनाएंगे, तो देखते हैं यह किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मंचूरियन बनाते हैं। हमने यहाँ पर 2 कप पत्ता गोभी ली है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बेजी डालेंगे जिसमें हमने हरे प्याज का जो ग्रीन पार्ट्स होता है वह लिया है, 2 गाजर ली हैं और मैंने यहाँ पे फूल गोभी ली है। सभी को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से जो सब्जियों में पानी है वह रिलीज हो जाएगा और इससे जो हमारे मंचूरियन हैं काफ़ी अच्छे बनेंगे। अगर इनमें मॉइस्चर रहता है तो हमें काफ़ी सारी मात्रा में कॉर्नफ्लोर और मैदा डालना पड़ेगा, जिससे हमारे जो मंचूरियन है काफ़ी हार्ड भी हो जाएंगे और उनमें मैदा का ज़्यादा टेस्ट आएगा। इस तरीके से सारी बेजी में हम नमक को अच्छे से मिला देंगे जिससे जो पानी है वह रिलीज हो जाएगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं, जिससे जो हमारा मंचूरियन है फटाफट से बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर 1 बोल लिया है। मैं यहाँ पर 4 चम्मच के करीब टमाटो केचप डाल दूँगी और आप चाहें तो ये सॉसेज आप ग्रेवी बनाते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो काम है बिल्कुल इजी तरीके से करना है। अब मैंने यहाँ पे ये 3 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल दी है, 2 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पर ये ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि जब हमने 10 मिनट के लिए सब्जियों को पानी रिलीज़ करने के लिए रखा है तो हमें 10 मिनट के बाद आगे का प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो हम 10 मिनट में ये काम निपटा लेते हैं जिससे जो हमारी मंचूरियन है फटाफट से बन जाएंगे। आप चाहें तो ये सॉसेस ग्रेवी बनाते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल इजी तरीके से इसे बनाना है। सॉस रेडी है, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पर 1 बोल में 1.5 चम्मच के करीब ये कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें हम पानी डाल देंगे और इसकी 1 स्लरी बना लेंगे। ये स्लरी हम इसलिए बना रहे हैं जब हम मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे तो उसको थिक करने में ये काम आएगी। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और स्लरी हमारी बनकर तैयार है, सॉस हमारी बनकर तैयार है। 10 मिनट हो चुकी हैं और अब हम अपनी सब्जियों को देखते हैं। देखिए, सब्जी में अच्छे से पानी रिलीज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सारी सब्जियों को हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और इस तरीके से हम टाइट हाथों से इसे स्क्वीज करेंगे और बिल्कुल बढ़िया हमारे मंचूरियन बनकर तैयार होते हैं। इतने सॉफ्ट बनते हैं और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे बता रही हूँ, जिसे आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। और देखिए, इस सारी सब्जियों में से कितना सारा पानी निकला है, इसे हम साइड से रख देते हैं। अब हमने जितनी भी वेजिटेबल्स ली थी पानी निकाल कर उन्हें हम फिर से 1 बोल में डाल देंगे और आप देख सकते हैं इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हमने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च ली है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को आप पहले ना डालें, बाद में जब पानी निकल जाए सब्जियों का उसके बाद डालेंगे हम इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक हमने जब डाला था तो वह पानी के साथ निकल गया है, तो हम इसमें ये 1 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें ये काली मिर्च पाउडर। अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब मैदा डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच के करीब मैं यहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। अगर सब्जियों में से जो पानी है वह नहीं निकालेंगे तो हमें इस समय कॉर्नफ्लोर और मैदा की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ सकता है। अब हमने जो सॉस तैयार की थी मैं इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब ही सॉस डाल दूँगी, जिससे जो सॉसेज है उसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वह अंदर तक आएगा। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही हम इसे एक डो की तरह से बना लेंगे, क्योंकि सब्जियों में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसी से यह अच्छे से डो की तरह बन जाएगा। हमें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है और आप देख सकते हैं ये एक डो बन गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड है, छोटा या बड़ा।
और इस तरीके से हमने एक बैच के लिए बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है और ये तैयार बॉल्स हम इसके अंदर डालेंगे। ध्यान रखे, जब बॉल्स को हम इसके अंदर डालेंगे उस समय जो फ्लेम है वह हाई होनी चाहिए। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम 8 से 10 ये मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे और पहले हम इनको नीचे से सेकने देंगे, उसके बाद ही हम इनको उल्टेंगे पलटेंगे। और इनको सेकते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है और मैं चम्मच से इस तरीके से इसको अच्छे से घुमाते हुए सेक लूँगी। आप कोशिश करके इसे चम्मच से ही पलटें जिससे जो बॉल्स हैं अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और उलट पलट कर हम इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं जो बॉल्स हैं अच्छे से फ्राई हो गई हैं, कितना अच्छा इनका कलर आया है, बिल्कुल भी नहीं फटी हैं। इट मींस हमें जो मैदा और कॉर्नफ्लोर डाले थे बिल्कुल क्वांटिटी उनकी सही थी। और सारी बॉल्स बनाकर हम इस तरीके से तैयार करेंगे। हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं, अब हम इसे ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है और मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसमें जो लहसुन है थोड़ा सा ज़्यादा डलता है और मैं इसमें ये ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल दूँगी। 10 सेकेंड के लिए हम इसे सौते करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। जो इंडो चाइनीज डिशेज होती हैं या रेसिपी होती हैं उनमें फ्लेम हमेशा हाई रहती है और इसे हमने 10 सेकंड के लिए अच्छे से सौते कर लिया है। और अब हमने जो हरी मिर्च ली थी स्लिट कर वह भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये प्याज। मैंने यहाँ पे ये 2 प्याज ली हैं जिनको हमने पेटल्स में काट लिया है, हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब हमें इसमें शिमला मिर्च डालते हैं। मेरे पास लाल और पीली शिमला मिर्च थी इसलिए मैं यहाँ पर तीनों तरह की शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपके पास लाल पीली नहीं है तो आप केवल हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। हाई फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जो सब्जियां हैं उनमें क्रंच बरकरार रहना चाहिए, बिल्कुल भी सौगी इन सब्जियों को हम नहीं करेंगे। काफ़ी टेस्टी हमारा मंचूरियन बनकर तैयार होता है और लगभग 1 मिनट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं अच्छे से सौते हो गई हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप देख कर डालें क्योंकि हमने जो सॉसेज यूज़ की हैं उसमें भी नमक होता है और जो हमने बॉल्स बनाई थी उसमें भी हमने नमक डाल दिया था। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और जो हमने सॉस बनाकर रेडी की थी वह हम फटाक से इसके अंदर डाल देंगे। देखा कितनी जल्दी हमारी सॉसेस का काम हो गया है। अब जिस बोल में मैंने सॉस तैयार किए हैं उसमें हम 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे इसमें और इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से मिला लेंगे। सॉसेस डालने के बाद हमें ग्रेवी को ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस अच्छा सा हमें इसे मिला लेना है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे क्योंकि मैं थोड़ा ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रही हूँ। अगर आपको ड्राई बनाना है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी कम कर दें। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हमने जो स्लरी बनाई थी कॉर्नफ्लोर की उसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वह तली में बैठ जाता है। एक हाथ से डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से हम इसे मिक्स करते जाएंगे जिससे इसकी गुठली ना पड़े। और आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है अच्छे से थिक हो गई है। बस इतना ही ग्रेवी को हमें थिक करना है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ग्रेवी अच्छी से बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो बॉल्स बनाई थी वह हम इसके अंदर डाल देंगे। पर ध्यान रहे, जब हम इसको सर्व करते हैं उस समय हमें इसको बॉल्स को डालना है। अगर आप इसे पहले से ही इस तरीके से बनाकर रख देंगे तो जो बॉल्स हैं वह काफ़ी ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और जो टेस्ट है वह भी अच्छा नहीं आएगा। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा मंचूरियन बनकर तैयार हुआ है। लुकिंग आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग है, बहुत सॉफ्ट हमारा मंचूरियन बनकर तैयार हुआ है। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे साइड से रखेंगे क्योंकि ग्रेवी में बॉल्स डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता है। अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ी से जो हरा प्याज है उसका ग्रीन पार्ट डाल दूँगी जिससे यह देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। अब हम इसकी फ्राइड राइस की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है और मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जिसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च और जो ग्रीन
प्याज होता है उसका वाइट पोर्शन, बीन्स और गाजर ली हैं। सभी को हमें बिल्कुल बारीक काट लेना है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं। इसे हमने 10 सेकंड के लिए सौते किया है और बाकी के अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट में हमारा ये फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि जो सब्जियाँ हैं वह काफ़ी बारीक कटी हुई होती हैं तो जल्दी से भुन जाती हैं, और फ्राइड राइस में हमेशा पहले चावलों को बॉईल करके ठंडा कर लिया जाता है, तो यह चावल सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बीच में इसकी जगह बना लेंगे, जिससे जो हमारे राइस हैं बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर बनने वाले हैं। आप ये प्रोसीजर बॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। फ्लेम को हमने इस समय बिल्कुल लो कर दिया है, वैसे ये सारा प्रोसीजर हाई फ्लेम पर करना है, लेकिन जब हम मसाले ऐड करेंगे उस समय फ्लेम को हम लो कर देंगे। हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें रेड चिली सॉस डाल दिया है, 1 चम्मच मैं इसमें ये ग्रीन चिली सॉस डाल दूँगी, और 1/2 चम्मच हम इसमें ये डार्क सोया सॉस डालेंगे, और 1/2 चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे। मैं इसमें इस तरीके से डाल रही हूँ, आप चाहें तो इन सभी की एक जैसे हमने फ्राइड मंचूरियन में सॉसेज तैयार की थी उस तरीके से भी आप इसको तैयार कर रख सकते हैं। और इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैंने यहाँ पे ये 2 कप चावल लिए थे। मैं यहाँ पे बासमती चावल का यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया है। इसे हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे और हाई फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमेशा हमें ये प्रोसीजर हाई फ्लेम पर ही करना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ये हरे प्याज का ग्रीन पार्ट्स डाल देंगे, क्योंकि जो इंडो चाइनीज रेसिपी होती है उनमें हरा प्याज अच्छे से यूज होता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम खिले खिले हमारे चावल बनकर तैयार होते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बार आप इसे ज़रूर से बना कर देखिएगा। यकीन मानिए बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल हमारी रेसिपी बनकर तैयार होती हैं। और इजी तरीके से हमने इसे बनाया है, जिससे बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं चावल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए लुकिंग कितनी बढ़िया ही है। और अब हम करते हैं दोनों की प्लेटरिंग। तो सबसे पहले हम मंचूरियन को प्लेटिंग करेंगे, और देखिए लुकिंग कितने बढ़िया हमारे मंचूरियन बनकर तैयार हुए हैं। लुकिंग देख सकते हैं और बॉल का साइज़ देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो छोटी बॉल्स बनाई थी वह ग्रेवी में आकर थोड़ी सी फूल भी गई हैं। तो बॉल का साइज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड है, छोटी या बड़ी। और इस तरीके से हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है, और मैं आपको इसे एक बार तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि जो इसका फ्लेवर है बिल्कुल अंदर तक चला गया है, क्योंकि हमारे जो मंचूरियन है काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। और देखिए कितने बढ़िया हमारे मंचूरियन बने हैं। अब हम चावल की प्लेटिंग करते हैं, और चावल देखिए एक एक चावल हमारा खिला हुआ है, बिल्कुल बढ़िया चावल बनकर तैयार हुए हैं, काफ़ी फ्लेवरफुल बने हैं। हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाया है तो बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर इसमें आया है। अब हम हरे प्याज से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो लीजिए हमारे फ्राइड राइस और मंचूरियन बनकर तैयार है, काफ़ी अच्छे बने हैं। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए, और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ के साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।